एक समय की बात है, एक असफल व्यक्ति एक सफल व्यक्ति के पास पहुंचा। इस सफल व्यक्ति की खास बात यह थी कि वह जो भी कार्य करता था उसमें सफलता प्राप्त करता था। असफल व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, क्योंकि मैं भी सफल होना चाहता हूँ। सफल व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि असफल व्यक्तियों से ही मैंने सफल होना सीखा है। असफल व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ गया, क्या असफल व्यक्तियों से भी कोई सफल होना सीख सकता है? तब उस सफल व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यह सच है कि असफल व्यक्तियों से ही मैंने सफल होना सीखा है। यह सफल होने का ऐसा तरीका है जिसे मेरे जैसे बहुत से सफल व्यक्ति प्रयोग करते हैं। तभी असफल व्यक्ति बोला, क्या असफल व्यक्तियों से भी सफलता के बारे में सीखा जा सकता है? सफल व्यक्ति ने कहा कि हाँ, सीखा जा सकता है। असफल व्यक्ति बोला, लेकिन कैसे? तभी सफल व्यक्ति ने उससे पूछा कि पहले तुम यह बताओ कि तुम असफल क्यों हुए? असफल व्यक्ति ने बताया कि पहले मैं एक अमीर व्यक्ति था। सफल होने के लिए मैंने एक कंपनी खोली जिसमें मैंने अपना बहुत सा पैसा लगा दिया। मैं बहुत जल्दी सफल होना चाहता था, इसलिए मैंने उसी साल एक दूसरी कंपनी भी खोल ली जिसमें मैंने अपना बचा हुआ बाकी पैसा भी लगा दिया। मैंने जल्दबाजी में दो कंपनियाँ खोल ली और अपनी किसी भी कंपनी को पूरा समय नहीं दे पाया। कुछ समय में दोनों कंपनियाँ घाटे में चलने लगी। मैं दोनों कंपनियों से होने वाले लॉस को प्रॉफिट में बदल सकता था, लेकिन मेरे पास उस घाटे को पूरा करने के लिए पैसा नहीं बचा था। धीरे धीरे कंपनी का घाटा बढ़ता चला गया और दूसरे ही साल मेरी दोनों कंपनियां बंद हो गई। इसलिए आज मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। अब सफल व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला कि आपकी असफलता के दो कारण थे। एक तो आपने दो कंपनी एक ही साल में खोल ली जिससे आप किसी भी एक कंपनी को पूरा समय नहीं दे पाए। दूसरा यह है कि आपने अपनी कंपनियों में अपना सारा पैसा लगा दिया और जब आपको घाटा हुआ तो उससे उबरने के लिए आपके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। तो असफल व्यक्ति बोला कि हाँ, यही सच है। तो सफल व्यक्ति बोला कि आपने इस असफलता से क्या सीखा? असफल व्यक्ति बोला कि मैं अपनी असफलता से सीख भी क्या सकता था, यदि सफल होता तो बहुत कुछ सीखता, मेरा तो नसीब ही खराब है। सफल व्यक्ति बोला कि आपने अपनी खुद की असफलता से कुछ भी नहीं सीखा, इसीलिए आप अभी भी असफल हैं। लेकिन मैं असफल लोगों की असफलताओं से सीखकर आज एक सफल इंसान हूँ। मैं असफल लोगों के द्वारा की गई गलतियों से सीखता हूँ और उन गलतियों को अपने जीवन में नहीं होने देता। यही मेरा सफलता का रहस्य है। अब उस असफल व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सफलता का एक ऐसा तरीका बताती है जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। असली सफल व्यक्ति वह नहीं है जो केवल अपनी गलतियों से सीखे, बल्कि वह है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम गलती करें फिर उससे सीखें और सुधार करें। अपनी गलतियों से तो हम बहुत कम सीखते हैं, जबकि दूसरों की गलतियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने जिन सफल व्यक्तियों के बारे में सुना है उनकी जीवनी पढ़ो और देखो कि उन्होंने सफल होने के लिए रास्ते में क्या क्या गलतियाँ की थी। उनकी गलतियों से आपको सीखना होगा ताकि आपको उनसे भी जल्दी सक्सेस मिल सके। अगर बड़ी सफलता प्राप्त करनी है या जीवन में हर काम में सफल होना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो। इस कहानी में जो असफल व्यक्ति बताया गया है उसने अपनी असफलता से कुछ भी नहीं सीखा और सारा दोष अपने नसीब को दे दिया, जबकि सफल व्यक्ति ने दूसरों की गलतियों से ही सीखकर सफलता प्राप्त कर ली। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ मैं इसी तरह की दूसरी कहानी के साथ, तब तक संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो।